गाइस वेलकम टू माय चैनल। कैसा आप सब, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा बेस्ट स्किन वाइटनिंग एंड स्किन टाइटनिंग फेस पैक शेयर कर रही हूँ। आपकी स्किन में एक्ने है, पिंपल्स है, डार्क स्पॉट है, ब्राउन स्पॉट है, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन सन के कारण बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गई है, अनइवन हो गई है, आपके माउथ के अराउंड ब्लैकनेस है, बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करेगा। एक बार में ही ये पार्लर के फेशियल से दो गुना ज़्यादा आपके फेस पे ग्लो लाता है। ये बहुत ही अच्छा क्लींजिंग का, स्क्रब का और पैक का काम करता है, 3-in-1 है। तो चलिए जानते हैं आपको ये पैक किस तरह से बनाना है। आप मेरे वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लीन बाउल लिया है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एल्स गुडनेस की मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो मुल्तानी मिट्टी अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हो, केमिकली फ्री होनी चाहिए, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये अवेलेबल है, मुझे ये केमिकली फ्री लगती है, अफोर्डेबल लगती है, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच जितना मुल्तानी मिट्टी लिया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे छोटे साइज का टमाटर लिया है, आपको इसे बहुत ही अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद फिर मैं इसे दो भाग में कट कर लूँगी, आपको एक स्लाइस यूज़ करनी है। आप देख सकते हो आपको टमाटर को ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेना है, उसके बाद फिर उसका पल्प आपको यूज़ करना है। आप चाहो तो इसमें जूस भी यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे पल्प यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक चम्मच जितना टमाटो पल्प यूज़ कर रही हूँ। टमाटो हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारी स्किन में जितना भी कालापन है उसे दूर करता है, हमारी स्किन में जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है उसे मिनिमाइज करता है, हमारी स्किन में जो रिंकल्स फाइनलाइंस की प्रॉब्लम है उसे भी धीरे धीरे फेड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद से मैं यहाँ पे घर की बनी थिक दही यूज़ कर रही हूँ दो चम्मच जितनी। जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है वो उसमें लो फैट वाला दही यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन पे अगर टमाटर सूट नहीं होता तो आप स्किप कर सकते हो, पर जिनकी स्किन पे मुल्तानी मिट्टी सूट होती है वो ये वाला फेस पैक ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, हमारी स्किन के रंगत को निखारता है, हमारी स्किन को 1-2 शेड फेयर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, हमारी स्किन में जो दाग धब्बे हैं उसे पूरी तरह से रिमूव करता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ 3-4 ड्रॉप जितना। जिनकी ऑयली स्किन है और जिनकी स्किन पर लेमन सूट होता है वो यूज़ करें। उसके बाद फिर हम सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपका ये फेस पैक पूरी तरह से रेडी हो चुका है, अब आपको अपने क्लीन फेस पर इसे अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने मुल्तानी मिट्टी यूज़ की है, मुल्तानी मिट्टी क्लींजर का भी काम करता है, स्क्रब का भी काम करता है, पैक का भी काम करता है, ये 3-in-1 है। मुल्तानी मिट्टी हमारे चेहरे को काफ़ी ज़्यादा डीपली क्लीन करता है, हमारी स्किन में जितनी भी टैनिंग है, जितनी भी गंदगी है उसे पूरी तरह से निकालता है, हमारे पोर्स में जितनी भी गंदगी है उसे ये निकालता है, हमारी स्किन में जो रिंकल्स फाइनलाइंस की प्रॉब्लम है उसे धीरे धीरे फेड करता है, हमारी स्किन को ये इवन करता है, हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करता है, ऑयल के प्रोडक्शन को ये कम करता है, नोज़ के यहाँ पे जो ब्लैक हेड्स है वाइट हेड्स है उसे ये रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप देख सकते हो मैंने अपने क्लीन फेस पर अप्लाई किया है 15-20 मिनट तक के लिए, उसके बाद फिर ये पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। फिर आपको बहुत ही हल्के हाथों से मसाज करते हुए पैक निकाल लेना है, जिससे आपकी स्किन में जितनी भी गंदगी, आपके पोर्स में जितनी भी गंदगी है उसे ये पूरी तरह से रिमूव करेगा। ये बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएट का काम करता है, डेड स्किन सेल की लेयर को निकालता है और आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से डीपली क्लीन करता है। जब आप हल्के हाथों से मसाज करोगे अपने फेस पर तो आपके फेस के यहाँ पे जो स्कार्स की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, आपको वहाँ पर बहुत हल्के हाथों से स्क्रब करना, जिससे वो भी धीरे धीरे फेड हो गए, रिंकल्स फाइनलाइंस की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे फेड होगी। फिर आप अपना फेस वॉश कर लो बहुत ही अच्छे से, फिर आप अपने फेस को पैड ड्राई कर लो, आप खुद नोटिस करोगे आपकी स्किन आपको काफ़ी ज़्यादा क्लीन, क्लियर, लाइट, ब्राइट, फेयर लगेगी, आपकी स्किन में काफ़ी अच्छा आपको ग्लो नज़र आएगा, आपकी स्किन में काफ़ी अच्छा आपको कूलिंग सा इफेक्ट आएगा, आपकी स्किन को ये ठंडक देता है। कि स्किन लूज हो गई है, ढीली हो गई है, तो मैंने इसमें मुल्तानी मिट्टी और दही ऐड किया, दोनों का मिक्सचर हमारी स्किन में काफ़ी अच्छा मैजिक सा वर्क करता है, हमारी स्किन में काफ़ी अच्छा ये कसावट लाता है, स्किन के रंगत को निखारता है, चेहरे की इलास्टिसिटी को ये मेंटेन करके रखता है, स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ये बढ़ाता है, हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, बेदाग, चमकदार लगती है, स्किन के टेक्स्चर में इम्प्रूवमेंट लाता है, जिससे हमारा चेहरा काफ़ी ज़्यादा खिला खिला रहता है, हमारी स्किन के रंगत में काफ़ी अच्छा ये निखार लाता है। के फेस पे मुल्तानी मिट्टी सूट होती है वो ये वाला फेस पैक जरूर ट्राई करें। ऑयली स्किन वालों को मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप गर्मियों के मौसम में ये वाला फेस पैक जरूर ट्राई करें, आप अपनी स्किन को काफ़ी ज़्यादा बेदाग, चमकदार, ऑयल फ्री बना सकते हो। जब आप ये वाला फेस पैक यूज़ करोगे आपको खुद अपनी स्किन में काफ़ी अच्छा फर्क नजर आएगा। आप इसे हफ्ते में 2 बार यूज़ करो, आपको सेकेंड टाइम से ही अपने फेस में काफ़ी अच्छा फर्क नजर आएगा, आपकी स्किन में आपको कसावट नजर आएगी, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है उसे ये मिनिमाइज करेगा। आप इसे यूज़ करें और इसका रिजल्ट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली साथ शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।